नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं एक और मजेदार लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी। राकेश और नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक बार राकेश नेहा के साथ अपनी ससुराल जाता है तो वहां पर एक छोटा सा जिम सेटअप देखता है। राकेश को लगता है कि उसका साला मोहन यहाँ पर वर्कआउट करता होगा, पर मोहन बताता है कि ये जिम नेहा का है और नेहा ही यहाँ पर वर्कआउट किया करती थी। वो एक फिटनेस फ्रैक थी जिसे वर्कआउट करना काफी पसंद था। मोहन आगे बताता है कि नेहा अक्सर वर्कआउट के दौरान उसे लिफ्ट एंड कैरी कर लिया करती थी। अपने साले द्वारा अपनी बीबी की लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी सुन राकेश काफी हैरान रह जाता है। वो नेहा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी फिटनेस फ्रैक हो। नेहा कहती है, मैं तो शादी से पहले ही वर्कआउट किया करती थी, अब तो कई महीनों से मेरा वर्कआउट करना छूट गया है। राकेश कहता है, अगर तुम चाहो तो वर्कआउट कर सकती हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे भी लिफ्ट एंड कैरी करना होगा। नेहा कहती है, बस इतनी सी बात। और ऐसा कह वो आगे बढ़ राकेश को क्रेडल कैरी करते हुए अपनी गोद में लिफ्ट एंड कैरी कर लेती है। राकेश काफी खुश हो जाता है। इस बात से नेहा को एहसास हो जाता है कि राकेश को स्ट्रांग लड़कियां पसंद है और उसे लिफ्ट एंड कैरी करवाना काफी अच्छा लगा। तो राकेश को खुश करने के लिए नेहा उसे अलग अलग तरह से लिफ्ट एंड कैरी करना स्टार्ट कर देती है। और अगले 15-20 मिनट में वो राकेश को कई अलग अलग तरह से लिफ्ट एंड कैरी करते हुए एहसास करा देती है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इस बीच मोहन कहता है, दीदी शादी के बाद आप तो जीजू को लिफ्ट एंड कैरी करने लगी, मुझे तो भूल ही गई। मोहन की ऐसी बात सुन नेहा राकेश और मोहन दोनों को एक साथ लिफ्ट एंड कैरी कर एहसास कराती है कि वो दोनों जितना सोच रहे हैं वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये लिफ्ट एंड कैरी स्टोरी, कमेंट करके बताएं। और लिफ्ट एंड कैरी से जुड़ी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।